मैं हूं अनिल और आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अनिल की मस्ती पे। तो ऊपर वाले का नाम लेके आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आके पहुँच सके। तो अभी मैं गया था लाइट लाने के लिए और ये लेके आया हूँ लाइट 50 वाट का लाइट लेके आया हूँ क्योंकि हमारे रूम का जो बड़ा वाला लाइट था वो घर जब बना था उसी टाइम पे ख़रीदा गया था। तकरीबन 10 साल पूरा होने को है। CFL का जो आता था वो जो ऐसे रिंग करके वो वाला लाइट वो अभी ख़राब हो गया। कल या परसों में लाइट लगा तो वो थोड़ा जैसे मतलब पूरा डिम हो के जला और पूरा ख़राब हो गया। तो मिसेस नंदा को अभी चाहिए था एक लाइट क्योंकि और जो एक लाइट लगा हुआ था वो 12 वाट का था। तो इसीलिए मैं अभी जस्ट जाके लेके आया और यहाँ पे मैं हावल्स का ढूंढ रहा था लेकिन फिलिप्स का मिला तो भी ले आया। 650 रुपये मुझे पड़े और 1 साल की वारंटी मिली। तो इसमें किसी भी तरीके का ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या फिर ये कोई किसी भी तरीके का स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो चलते हैं, चल के जाके लगाते हैं लाइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लाइट है। ये तकरीबन 10 साल हो गया है, 9 साल से 10 साल हो गया है। जब घर का काम हो रहा था ना तब भी का है और ये काफ़ी डस्ट वगैरह भी लग चुका है इसमें। और ये क्रॉम्पटन ग्रेव्स का है। यहाँ पे देखिए बहुत ही पुराना है, 220 से 240 वोल्ट। कितने वाट का है मुझे तो ठीक से पता नहीं, ये 65 वाट का है। यहाँ पे लिखा हुआ है 65 वाट का। ये अभी लाइट को मैं अगर लगा के दिखाऊंगा ना आपको, देखिए होल्डर पे लगा दिया और अभी लाइट की स्विच करते हैं ऑन तो कुछ इस हिसाब से जल रहा है क्योंकि पूरा बॉल डैमेज हो चुका है। और अभी लगा ना है मुझे लाइट। देखिए 50 वाट की LED बॉल है जो कि 65 वाट की CFL बॉल के तकरीबन है और ये 5 स्टार का है। ब्राइटनेस में भी 5 स्टार वाला है, 25% ब्राइटर। अभी हमारा लाइन चला गया है और ये यहाँ पे देख सकते हैं फिलिप्स का इस टाइप का कुछ लाइट आएगा। तो अभी हमारा देखिए लग चुका है ये लाइट और अभी इसे ऑन करते हैं। तो देखिएगा वो बोल भी रहे थे कि बहुत ब्राइट होने वाला है और ये अरे बाप रे, सच में देख सकते हैं कितना ब्राइटर है। अभी मैं दिन के दोपहर के 1:05 पे लगा रहा हूँ लाइट और ये देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्राइटर हो रहा है। वाओ। और अभी मिसेस नंदा का हो गया काम और हमारा वो शादी वाला फोटो देखो कितना झकास से आ रही है ब्रा। वो भी पूरा साफ सुथरा हो गया अभी। हाँ वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, क्लियर आ रहा है। तो मैं थोड़ा फ्रेश होके आ गया फाइनली और बहुत मतलब सर्दी तो ठीक से आ ही नहीं रही है और जो भी आ रहा है मतलब वो पूरा गर्मी जैसा लग रहा है, चिपचिपाहट सा थोड़ा बहुत लग रहा है। तो लेट हो गया, थोड़ा काम बहुत था। अभी लाइट्स तो लग ही रहा है, लग चुका है मतलब बहुत ही बढ़िया जल रहा है। और दादी भी आ चुकी हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, कल रात को आई थी, आके पहुंची इवनिंग में रात के 9-10 बज गए थे। तो मैं जब ऑफिस से आया तो वो ऑलमोस्ट आ चुकी थी, तो खाना वाना खा के सो रही थी इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अभी भी उनकी तबीयत ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा बहुत अभी सोडियम की ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने बोला है कि उन्हें जो भी खाना दो उसमें नमक ज़रूर डालना और नमक नींबू का पानी देना सब कुछ करने के लिए बोला है। तो बीच बीच में उनका क्या होता है कि याददाश्त थोड़ा चला जाता है, तुरंत ही सडनली देख के कुछ पहचान नहीं पाती, कुछ देर के बाद ही वो मतलब
रियलाइज करती हैं कि हाँ ये वो था, ये वो था, ये वो था, मतलब मेरा बड़ा पोता था या फिर बड़ी पोती थी या फिर मझले या छोटा पोता था, ऐसा वो रियलाइज करते हैं। अभी वो सो रहे हैं, मैं जाके देखता हूँ, अगर मतलब जागते होंगे ना तो आपको भी दिखाऊंगा। थोड़ा लॉक करके रखा है, सोई हुई है, सोई हुई है दादी, वो सोई हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी डिस्टर्ब ना करूँ तो अच्छा होगा, क्योंकि बुजुर्ग लेडी अगर सोती हुई उनको डिस्टर्ब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी तबीयत भी वैसे ठीक नहीं रहती है, अभी बीच बीच में जग जाती हैं तो सोती नहीं है, तो इसलिए सो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर शाम तक तो वो जाग ही जाएंगे किसी टाइम पे, दिखाऊंगा, नहीं तो मुझे भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, वो थोड़ा मतलब उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है तो दिखाना इतना, लेकिन आ चुकी है दादी, अभी ठीक ठाक है उनकी तबीयत। और मुझे, मैंने जब लास्ट वाला व्लॉग डाला था तो कुछ लोगों ने, मेरे दोस्त वगैरह सब कुछ समझ गए थे कि वो समझे थे कि शायद मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई है, तो मुझे पर्सनल मैसेज भी किया व्हाट्सएप पे, तो मैंने बोला कि नहीं, मम्मी की तबीयत ठीक है लेकिन दादी की तबीयत बिगड़ गई है। तो आप अगर समझ रहे हैं कि मम्मी की तबीयत तो नहीं, मम्मी की तबीयत बिगड़ी नहीं है, मम्मी ठीक ठाक है, लेकिन दादी की तबीयत बिगड़ गई है, तो अभी ठीक ठाक है, वो स्पीडी रिकवरी कर रहे हैं और जितना हो सके हम कर रहे हैं। अभी फिजियोथेरापिस्ट के साथ बातचीत होना है थोड़ा हमारा, वो आके थोड़ा उनको एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे, क्योंकि उनकी जो पैर है और हाथ है वो थोड़ा अकड़ सा गया है, तो कोशिश ये है हमारी कि कुछ ना कुछ करके उनका थोड़ा मूवमेंट हो, इसके लिए उनकी तबीयत और भी काफ़ी अच्छी हो जाए। ये देख सकते हैं, ये मैंने पहन लिया है नया ड्रेस, नई सिर्फ शर्ट है, हाफ शर्ट, ये देख सकते हैं। और मैं तो हमेशा से ही बरमूडा में रहना पसंद है मुझे, ये हाफ शर्ट कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके बताना जरूर। ऐसे ही मतलब खरीदा था, पहन लिया, और उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा आपको। कैसा लग रहा है सामने से देख के आप बताना जरूर, मुझे तो अच्छा लगा, और कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स करके बताना जरूर। और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो भुवनेश्वर रिएक्शन चैनल है ना, उसमें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, और कुछ रिएक्शंस वीडियोस आने वाले हैं, कुछ अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना। और आप लोगों का प्यार चाहिए, कैसा लगा ये नीचे कमेंट्स करके बताना, अगर अच्छा लगा तो ऑनेस्टली अच्छा बताना, अगर बुरा भी लगा ना तो ऑनेस्टली बुरा भी बता सकते हो, क्या क्या कमियां हैं खामियां हैं ये भी बताना जरूर। मैं अभी गया था दादी माँ के पास, अभी कुछ देर पहले मैं घर पे नहीं था, तो तब वो बैठी हुई थी उठ के, अभी थोड़ा सो गई है, तो मैं गया था दादी माँ के पास, लेकिन सोई हुई है तो क्यों डिस्टर्ब करना उन्हें, इसीलिए मैं सोच के चला आया। अगर व्लॉग कंप्लीट करने से पहले दादी माँ उठती है ना तो मैं पक्का दिखाऊंगा आपको, नहीं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि वो बीच बीच में जग जाती हैं, सोती नहीं है और सो जाती हैं, अभी थोड़ा तबीयत तो मतलब ठीक ठाक है नहीं उनकी, तो इसीलिए उन्हें मैं डिस्टर्ब भी नहीं करता हूँ। लेकिन लास्ट जो एक हफ्ता था, लास्ट एक हफ्ते से पहले जो उनकी हालत थी ना, अब भी काफ़ी सुधार आया है और काफ़ी हद तक उनकी हालत ठीक है। तो भाई साहब अभी हो गया, मतलब दादी तो अभी रेस्ट ले रही हैं, तो मैं सोचा कि क्यों अभी उनको डिस्टर्ब करना है, तो मैं आ गया हूँ नीचे, और अपना जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो रिंग लाइट मैंने खरीदा है और जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड खरीदा है, उसमें ही अभी टेस्ट कर रहा हूँ। भुवनेश्वर रिएक्शन का एक जो चैनल का एक वीडियो अभी ख़त्म किया, और अभी ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आपको अगर देखना है ना भुवनेश्वर रिएक्शन में, अभी नए नए सब आ रहे हैं, आने वाले हैं आगे भी बहुत कुछ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, भुवनेश्वर रिएक्शन चैनल की लिंक है, वहाँ पे जाइए, सीधा आप चैनल पेज पे जाएंगे, वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए, मतलब सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है,
और ये वाला अनिल की मस्ती वाला चैनल जो है ना, उसे अब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन वो आप तक आके पहुंच सके। और मेरा 500 टच करने वाला है सब्सक्राइबर की जो पॉपुलेशन है, तो आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए, साथ चाहिए, सब कुछ चाहिए। हम साथ में मिलके बढ़ेंगे। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, और बहुत कुछ डेडिकेटेड वीडियो मुझे भी बनाना है। बहुत एक मैंने केरला के जो ऊपर एक बनाना है मुझे कि हमारा कंप्लीट होने को है 2 साल केरला टूर का, वो कैसा अंदाज था, कैसा मतलब एक्सपीरियंस था, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ, बनाऊंगा भी। और आप बस मेरा साथ दीजिए, हम चले जाएंगे बहुत जल्दी 500 टच करेंगे, उसके बाद 1000 सब्सक्राइबर टच करेंगे, उसके बाद चैनल भी मोनिटाइज होगा और आगे भी बढ़ेंगे। बहुत कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा, तो आप लोगों का साथ, प्यार, सब दुआएं, आशीर्वाद सबका ज़रूरत है मुझे अभी। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे दादी जी के लिए, दादी माँ के लिए दुआएं कीजिए ताकि वो अभी ठीक हो जाएं। धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिकवरी हो रही है उनकी और पूरा ठीक ठाक हो जाए। आगे चल के भी बहुत कुछ हमारा ओकेजन होने वाला है, आगे आपको बताऊँगा जाके। आप इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे भी मैं मतलब डालूँ ब्लॉग तो आप तक आके पहुँच सके नोटिफिकेशंस। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, काफ़ी खींच गया है, लंबा हो गया है। तो रेगुलर ब्लॉग अभी आते रहेंगे, बीच बीच में कहीं पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, मैं लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर बेसिक पे लाता रहूँ ब्लॉग, और आप लोगों का प्यार ऐसा ही मिलता रहे तो बहुत ही बढ़िया होगा, और मुझे मोटिवेट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए और अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए कीजिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार। जय हिंद, जय जगन्नाथ।